सो हेलो गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन मैं कल गया था आइनॉक्स मूवी देखने के लिए। फिर जब मैंने गया वहाँ पे, तो फिर मैंने देखा कि एक मूवी लगी हुई कांतारा, तो मैं सोचा कि चलो उस मूवी को मैं देख लेता हूँ। तो उस मूवी को देखा मैंने, तो ये मूवी काफ़ी फेबुलस बना हुआ है। विदाउट प्रमोशन अगर कोई मूवी चल सकता, मैंने इसका रेटिंग भी देखा, तो फिर ये 9.5 अभी तक का इंडिया में सबसे मोस्ट हाईली रेटिंग इसको रिव्यू मिला हुआ, रेटिंग मिला हुआ इस फिल्म को। तो काफ़ी एक बेहतर मूवी ये बना हुआ है, और इस मूवी को ना तो प्रमोट किया गया है और ना ही कुछ ज़्यादा कुछ इसको कुछ एडवर्टाइज किया गया है टीवी और में। उसके बावजूद ये मूवी इतनी अच्छी रिस्पांस मिल रही है ऑडियंस की, तो मैं तो देखते ही कल एकदम पागल हो गया मूवी को कि क्या मूवी बनाया हुआ है। तो आज हम इसका ट्रेलर को रिएक्ट करेंगे, मैं अकेले रिएक्ट करने वाला हूँ आज। हमारे साथ मेरी सिस्टर है नहीं, वो बाहर गई हुई है कहीं। तो चलिए हम लोग इस रिएक्ट को शुरू करते हैं, वो प्ले करते हैं। बहुत साल पहले एक राजा था, और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल जमीन गांव वालों को दान कर दी। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? जानवर और बच्चों ने कंप्लेन की है क्या? जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई पर्सनल एजेंडा है। सरकार का आदेश है, मुझे सरकार को जंगल की बाउंड्री बतानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बताओ। हिम्मत इंसान के सीने की आग है, उस आग से खुद को मत जलने देना। शिवा और उसके गैंग को पकड़वा सकता हूँ सर। ए शिवा, तेरी एक सेटिंग थी ना, जैसे तू बाइक पे बाप घुमाता था। बीड़ी की बदबू आ रही है। उस ना सेटिंग तो थी, पर हमारे बीच में वो भारत ऑफिसर आ गया। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। साथ साथ तुम्हारा रेप्यूटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट का तकलीफ हो, अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे थर्ड डिग्री मिले। पढ़े बिना ही डिग्री। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है, ये मर्डर केस है। ट्रेलर काफी अच्छा, और मैं पहला इंसान हूँ जो पहले मूवी देख चुका उसके बाद इस ट्रेलर को रिएक्ट कर रहा है। तो मूवी देखने के बाद मेरे को लगा कि ट्रेलर कैसा बना है, तो चलिए एक बार ट्रेलर को देखते हैं। तो इसलिए मैंने आज ट्रेलर को देखा है। तो मूवी फेबुलस है, काफी अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्टोरी यहाँ पे रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप जाके देखो वहाँ पे कि आपको कैसा लगता है कैसा नहीं। और काफी बेहतरीन एक मूवी है, एक्टिंग काफी अच्छा है। तो अगर स्टोरी कॉन्सेप्ट बढ़िया रहे, तो फिर हमारा ऑडियंस ऐसे है कि स्टोरी कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया मिलता है किसी को भी, तो वो मूवी को डेफिनेटली जाके देखते हैं। तो प्रमोशन और बिग बजट यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता। ऐसे हम लोग काफी सारा देख रहे हैं कि बिग बजट मूवीज भी फ्लॉप हो रही, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया रहे तो फिर हर कोई मूवी देखना चाहता है। तो ये मूवी काफी अच्छा है, और अच्छा है इसलिए इसको रेटिंग भी 9.5 मिला हुआ है। तो आप डेफिनेटली इस मूवी को जाके देख सकते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। जो आपका 2 घंटे 3 घंटे आप जो बैठेंगे, वो आप डेफिनेटली आप जो भी पैसा देकर टिकट को खरीद रहे हो, उस पैसे को वैल्यू एडेड आपको मिलेगा जरूर। सो आप जाओ मूवी को देखो, और अगर आप इस मूवी को देख चुके तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।